ये तेल 80 साल की बूढ़ी औरत को भी नए लंबे घने बाल उगा देता है। ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ सीक्रेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसा ऑयल बनाने का तरीका बताने वाले जिसका इस्तेमाल करके आप बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हो। अगर आपके बालों की ग्रोथ अटक गई है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते, स्कैल्प के अंदर डर्ट जम गया है, काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है जिससे बाल हल्के से भी कॉम्ब करने में टूट जा रहे, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। जो रेमेडी आपके साथ शेयर की जाएगी वो जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस ऑयल को बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा सुपर पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो है टी पाउडर यानी कि चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, चाय की पत्ती को एक स्पून के करीब आपको ले लेना है एक बाउल के अंदर। अब दोस्तों बात करेंगे चाय की पत्ती करती क्या है। दोस्तों आपकी डेंड्रफ को कम करती है, आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद हो रहे उसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि दोस्तों ब्लैक टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई गई है जिससे आपके स्कैल्प में से फंगल दूर होता है और आपकी स्कैल्प क्लीन रहती है और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। बालों में शाइन इंक्रीज करने के लिए ब्लैक टी बहुत ही फायदेमंद है, तो यहाँ पर आपको एक स्पून के करीब ब्लैक टी पाउडर ले लेना है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना, वो है फेन्युग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना भी हमारी डेंड्रफ को बहुत ही तेज़ी से दूर करता है। दोस्तों बालों के झड़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेंड्रफ, खास करके सर्दियों में डेंड्रफ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो फेन्युग्रीक सीड्स लेना ना भूलें, यानी आपको फेन्युग्रीक सीड एक स्पून करीब ले लेना है। यह आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन करता है, आपके स्कैल्प में से जो भी पसीना आता है, डर्ट आता है उसको क्लीन करता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है और स्कैल्प के फॉलिकल्स के अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ पहले से बेहतर होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको एक स्पून के करीब फेन्युग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना ले लेना है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर तीसरी चीज़ ऐड करना है, वो है ब्लैक सीड्स, और चौथी चीज़ है जिंजर, एक टुकड़ा जिंजर का ले लेना है। ओनियन के छिलके भी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आपको प्याज के छिलके कुछ ले लेना है और करी लीव्स के 4 से 5 डालियां ले लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 2 ग्लास के करीब वाटर ऐड कर देना है। अब आपको इसको अच्छे से बॉईल करना है, पकाना है। जब अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, पक जाए, उसके बाद छन्नी की मदद से इस ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ टोनर को छान लेना है। अब दोस्तों बात करेंगे इस टोनर को किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों जो हमने सब सीड्स मिला है, जो भी चीज़ें इसके अंदर मिलाई है, उस सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिल चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। नहाने से कम 1 घंटा पहले इसको स्केल पर अच्छे से मसाज करना है। स्प्रे की मदद से आप स्केल पर लगा सकते हैं या रूई की मदद से इस टोनर को लगा सकते हो। ओवरनाइट के लिए यूज़ करोगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप 1 दिन छोड़ के इस टोनर का यूज़ कर सकते हो।